राहुल गांधी को एक बार फिर मोदी सरकार पर उंगली उठाना भारी पड़ गया है। झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने रेप इन इंडिया वाले बयान पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भाजपा सांसदों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से मामले की रिपोर्ट मांगी है। आयोग अधिकारी के मुताबिक मामले की शिकायत के बाद राज्य में मुख्य चुनाव अधिकारी से विवादित बयान की पूरी घटना की जानकारी मांगी है, जिसमें अधिकारी को ये सब बताना होगा कि राहुल गांधी ने कब, कहां और किस संदर्भ में ये बयान दिया था। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अगुवाई वाले भाजपा महिला सांसदों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा राहुल गांधी के बयान पर शिकायत की थी। आयोग के मुताबिक घटना की तथ्यात्मक रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि राहुल ने झारखंड के गोड्डा में 12 दिसंबर को ये बयान दिया था। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ एक स्थानीय भाजपा नेता मुकेश राजावत ने भी शुक्रवार को जिला अदालत में राजद्रोह की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें राहुल के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 124A राजद्रोह और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा चलाए जाने की मांग की है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.